कुछ टाइम पहले मेरे पास एक DSLR कैमरा हुआ करता था, पर उसे मैंने बेच दिया था क्योंकि मेरे को एक नया कैमरा लेना था। पर जो मेरे को कैमरा लेना है वो बहुत ज़्यादा महंगा है मेरे DSLR कैमरे से, तो इस कैमरे को मैंने बेच के जो भी पैसा आया था उसको मैंने सेव करके रख लिया था। पर वो सेविंग्स को मुझे खर्च करना पड़ा क्योंकि मुझे ये पुलअप बार खरीदनी थी और यहाँ पे थोड़े और इक्विपमेंट पड़े हैं वो मुझे खरीदने थे। मुझे ऐसा लगता है कि यार वो कैमरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए आज की डेट में ये इक्विपमेंट्स हैं, तो मैंने खरीद लिया। और अगर इस डिसीजन को एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सोचा जाए तो यार ऑब्वियसली ये डिसीजन बहुत गलत है। कभी भी अपनी सेविंग्स या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि फ्यूचर में ये इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेरे को मेरे करियर में हेल्प करेंगे। तो मैं तुम्हें अपने इक्विपमेंट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो तुमने देख ही लिया ये पुलअप बार, जिस दिन आया था मैंने उसी दिन लगवा दिया। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था इसको लगवाने के लिए। और अगर थोड़ा यहाँ से देखोगे ना तो ये थोड़ा गलत तरीके से भी लग गया है। हमने इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट करी थी। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमने इस बार से मेजर लिया और फिर यहाँ पे मार्क करके इसको इंस्टॉल करा था। और अब जब हमने मेजर लिया ना तो थोड़ा सा डिफरेंस रह गया था, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, इसलिए ये बार थोड़ा सा ऐसे वी शेप का दिख रहा है। बोलोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। दूसरी चीज जो मैंने खरीदी वो है ये रेजिस्टेंस बैंड। येलो बैंड सबसे ज्यादा हैवी है, ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, ये सबसे लाइट है और ये मीडियम। ये नई नई स्किल लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि मसल अप हो गया, इन सब में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। दो पैकेज और हैं जो कि मैंने खोला नहीं था क्योंकि ये लेट आए थे। चलो सबसे पहले येलो पैकेट खोलते हैं। तो ये है एक एब रोलर। मैं कैलिस्थेनिक स्किल सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और जितने भी कैलिस्थेनिक एथलीट्स होते हैं ना वो अपने कोर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इसके लिए ये एब रोलर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है मेरे को। ये ऐसे अलग अलग पार्ट में आता है और इसको इंस्टॉल करना मैंने अभी समझा बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको बस खोलना है और ये ग्रिप निकालनी है और ये एब व्हील जो है वो लगा देना है और एब व्हील रेडी। चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। और अब बारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हैवी और सबसे ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट की। तो गाइस ये है एक डिप स्टेशन। तो ये हो गया रेडी मेरे डिप स्टेशन। भाई इसको रेडी करने में ही अलग मेरा वर्कआउट हो गया यार। इसमें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है यार। इसमें ऐसे मेरे को जुगाड़ करके चलाना पड़ रहा है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार कि मेरे को इसको रख लेना चाहिए या फिर रिटर्न कर देना चाहिए। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I got it. I hope you made it, and if you didn't make it, तो गाइस आज का वर्कआउट तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, पर यार अगर सच बताऊँ तो मज़ा आया। और ये मज़ा अगर तुम्हें भी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स की, तुम वहाँ से जाके अमेज़ॉन से खरीद सकते हो। और पता है ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने क्यों खरीदे थे, क्योंकि मेरे पास 3-4 घंटे दिन के नहीं है यार कि मैं जिम जाऊँ, आने जाने का टाइम स्पेंड करूँ, वहाँ पे इंटेंस वर्कआउट करूँ और फिर घर आके अपना काम करूँ। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मेरे लिए होम वर्कआउट बहुत ज़्यादा सही है। और अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी है तो तुम्हें तो ये इक्विपमेंट्स खरीदने ही चाहिए, क्योंकि पता है 4 एक्सरसाइजेस, एक पुशअप, पुलअप्स, डिप्स और स्क्वाट्स, ये 4 एक्सरसाइजेस करके तुम अपनी पूरी बॉडी को मेंटेन रख सकते हो। So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.